आज है डे वन और आज हम सीखेंगे कि करेक्ट वे से लाइनें कैसे लगा सकते हो। तो एक लाइन हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है और उसे फिल कर लेना है। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे कि हम लाइनर लगा सकते हैं। एंड ये दोनों तरफ से मैंने ऐसे लाइनर लगा लिया है। आज है डे सेकेंड और आज हम बनाने वाले क्यूट क्यूट शेप्स विद द हेल्प ऑफ आईलाइनर। तो सबसे पहले मैंने ना दो सितारे बना लिए हैं। सो अभी मैं एक हार्ट शेप बना रही हूँ। ये वाला थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था बिकॉज अंडर आई एरिया जो होता है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है। सो यस, अब जैसे वीडियो में देख पा रहे हो मैं कितना धीरे धीरे उसको बना रही हूँ। पहले आउटर लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर उसको अंदर का पार्ट जो है वो फिल कर लेंगे। सो अभी मैं थर्ड शेप बना रही हूँ, वो है फ्लावर। तो मेरे लिए ना थोड़ा इजी होता है, अगर मैं अपनी स्किन जो थोड़ा स्ट्रेच करके उसको बनाऊँ तो वो काफ़ी इजीली वो क्रिएट हो जाता है। आज है डे थर्ड, तो आज हम सीखेंगे कि आई शेडो की हेल्प से आप लाइनर कैसे लगा सकते हो। तो आप जिस भी कलर का लाइनर लगाना वो कलर का आई शेडो ले लो, थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल लो एंड उसमें 2-3 ड्रॉप्स हम माइसेलर वाटर की मिला लो तो वो एक ऐसा लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। एंड जैसे हम लाइनर लगाते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें वैसा लगा लेना है। अभी मुझे लगे उसे थोड़ा सा और डार्क करना है और इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा और लगाना है, तो मैंने और प्रोडक्ट ले लिया। और ऐसे ही हम दूसरे आईज पे भी लाइनर लगा लेंगे। आज है डे फोर्थ, आज हम करेंगे ग्राफिक लाइनर पर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे आज हम। पर एक लाइन हमने लगा ली है अपर डायरेक्शन में और एक हम लगा रहे हैं उसे क्रीज तक, मैं उसे ले जाऊंगी हाफ। अब मैं उसे थोड़ा सा डार्क कर लूंगी। आई नो वो थोड़ा सा बाहर निकल गया, पर डोंट वरी, बाद में हम उसे क्लीन कर लेंगे। अभी जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकल गया ना उसे माइसेलर वाटर की हेल्प से हम उसे क्लीन कर लेंगे। अभी ना डॉट लगाने हैं, पर मैंने जैसे ही दो डॉट लगाए ना फिर मुझे लगा नहीं वो तो सही नहीं लगा है, तो फिर मैंने उसे फिर से क्लीन करके फिर से स्ट्रेच करके दोबारा डॉट्स लगाए हैं। एंड सेम वैसे ऐसे ही मैंने दूसरे आई पे भी बना लिया, पर ये देखने में इजी लग रहा है पर बिल्कुल भी इजी नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगे इसे क्रिएट करते हुए। आज है डे फाइव और आज हम करने वाले हैं ड्रामेटिक आई लाइनर। तो सबसे पहले मैंने एज यूजुअल एक ब्लैक कलर का लाइनर लगाया है एज अ बेस, तो एक वही अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन एंड एक द लोअर डायरेक्शन में। डोंट वरी अगर थोड़ा बाहर भी निकल जाए तो हम उसे बाद में क्लीन कर सकते हैं। अभी मैंने लिया व्हाइट कलर का आई शेडो। आई नो थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट डोंट वरी, इसमें हम थोड़ा माइसेलर वाटर मिलाएंगे और एज आई लाइनर हम उसे लगा लेंगे। आई नो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा होगा आपको देखने में, पर बाद में हम उसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को क्लीन कर लेंगे।
एज यू कैन सी इन अ वीडियो कि मैं कितना एक्साइटेड और कितना हैप्पी हूँ इसको क्रिएट करके, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैंने पिंक कलर का आई शेडो लिया है और उसे एज अ हमने नीचे वाले लाइन से इसे ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा लाइट है तो मैंने उसे थोड़ा सा और डार्क कर लिया है और सेम ही मैंने आई शेडो अपने इनर कॉर्नर्स पर लगाया। आज है डे 6 और आज मैं बना रही हूँ फ्लावर। मैं ना अगर रेफरेंस हुआ मेरे पास तो मैं रेफरेंस साइड में लगा दूँगी, तो आप मेरी साइड वाली आईज पे मत जाना। और ये मैंने ना कुछ फ्लावर शेप में, कुछ लीफ शेप में मुझे क्रिएट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ। सो अभी ना वो थोड़ा सा लाइट हुआ है तो आई वॉन्टेड कि वो थोड़ा सा और डार्क लाइन दिखे, तो मैंने उसको और भी थोड़ा सा डार्क कर लिया। अभी ना वो थोड़ा अंदर से ज़्यादा डार्क हो गया है, पर कोई बात नहीं, उसे हम क्लीन कर लेंगे। इस वीडियोस में ना मेरे को बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ा। एवरीथिंग आई ट्राइड इन एवरी, मतलब हर एक दिन का वीडियो, तो मुझे मतलब सब कुछ नया था मेरे लिए। अभी दोनों फ्लावर बन चुके हैं दोनों आईज के, और अब मुझे ना वो फिल करना है शेप्स, तो मैंने पिंक कलर का आई शेडो लिया है और उससे मैं फिल कर लूँगी। सो अभी ना मैं अंदर लाइनर से थोड़ा सा लाइंस लगा रही हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आए। नाउ आई एम टेकिंग अ वाइट कलर का आई शेडो और उससे मैंने हल्के हल्के डॉट्स लगा लिए। पहले थोड़े से लाइट लगे, फिर मुझे लगा ये तो काफ़ी लाइट लग रहे हैं, फिर मुझे थोड़ा सा उसे और प्रोमिनेंट करना था। आई नो थोड़ा डॉट जो है वो इक्वल नहीं लग रहे, बट इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड, आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग अ येलो कलर का आई शेडो जो कि मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पर लगा लिया। पहले मुझे लगा वो भी थोड़ा लाइट लग रहा है, फिर आफ्टर दैट मैंने उसको थोड़ा सा और डार्क कर लिया। कितना प्रिटी लग रहा है दोनों तरफ से, आई होप आपको भी अच्छा लगे। यार मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसमें। सो आज है डे 7, जो इतना सारा लाइनर लगाया, अगर हमारे पास माइसिलर वाटर नहीं है और कोई भी क्लेंजिंग बाम नहीं है तो उसे कैसे रिमूव करेंगे? तो हमें मॉइस्चराइज़र लेना है और कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है कॉटन पे और उसे रिमूव कर लेना है। एंड मेक श्योर अपनी आँखें बंद कर लेना, अदरवाइज़ वो बहुत जलेगा।